ना आत्मा और जमीर, आत्मा और जमीर हम बहुत बोल चुके उसके बारे में, सोल प्योर सोल समथिंग लाइक दैट. एवरीबॉडी हैज गॉट सर वन ब्लैक डॉग एंड व्हाइट डॉग इन आवर ओन इन आवर ओन माइंड. दैट वहाँ पे गोल्ड पड़ा है. व्हाइट डॉग बोलता है डोंट टच, चोरी करना बुरी बात है. बैड डॉग बोलता है अबे कर ले कोई देखने का, एक ही लोग सुनना है, मैं जो जाएंगे सारी लाइफ कर जाएगी. WDBD व्हाइट डॉग बैड डॉग और ब्लैक डॉग. ओके, काला कुत्ता सफेद कुत्ता अंदर में बोलता है. दैट इज आत्मा जमीर. सुनो अपनी आत्मा की, ठीक है. लालच और सारी चीजें हैं इस संसार में, बट लिसन टू योर जमीर. और अपने जमीर को मार के कभी काम नहीं करना जीवन में. स्ट्रेस, अब बोलते हैं सभी लोग स्पेशली इन दिस वन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्ट्रेस, लोट ऑफ स्ट्रेस. इन जॉब्स, लोट ऑफ स्ट्रेस. गवर्नमेंट जॉब, लोट ऑफ स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस? कैन एनीवन टेल व्हाट इज स्ट्रेस? बोलो. लोट ऑफ प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स की वजह से आप काम पेंडिंग पड़ा है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, सोना कुछ. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. सो दैट इज स्ट्रेस. यू मीन टू से लॉन्ग पेंडिंग जॉब इज स्ट्रेस? नो सर, आर प्रॉब्लम्स. Problems are stress. Yes, sir. Like हमें काम दिया करने के लिए हम कर रहे हैं, but कोई ना कोई problem आ रही है उसमें, हम stress लेके. That is stress. Yes, sir. Okay. There are so many definition of stress. Whatever you are telling, that is also stress. काम नहीं हुआ, that is stress. बीवी ने जो है ना सुबह सुबह डांट मार दी, that is stress. पापा ने जो है ना एक दो गाली निकाल दी, दैट इज स्ट्रेस. भाई बोला कि जो है ना मुझे 2000 रुपये चाहिए, आपके पॉकेट में 2000 रुपये नहीं है, दैट इज स्ट्रेस. आप घर ड्यूटी से आते आते जो है ना बीवी ने जो बोला था वो लेके नहीं आया बाजार से, दैट इज स्ट्रेस. बॉस ने काम बोला, दैट इज स्ट्रेस. बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, वो भी स्ट्रेस है. जो मिशन आपको दिया था वो हुआ नहीं, वो भी स्ट्रेस है. काम करने वाले बंदे नहीं आए, दैट इज स्ट्रेस. सो एवरी प्रॉब्लम इन द लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेस. बट देयर इज आल्सो ए वेरी वेरी मिनिस्कल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस विच वी डोंट अंडरस्टैंड. वेयर दैट स्ट्रेस इटसेल्फ ओनली टेक टोल ऑन आवर हेल्थ. रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट, बट this stress what I am going to speak now cannot be handled by anything but by ourselves. Who stress kya hai? Actually stress ki definition hai whenever your mood spoils. Whenever your mood spoils, that itself is stress. Nothing else. No other problem. If your mood spoils, that is stress. So रेमेडी होना चाहिए उसका, उस स्ट्रेस. नाउ यू टोल्ड मी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई यू गेट स्ट्रेस, राइट? मेनी प्रॉब्लम इन लाइफ, मेनी प्रॉब्लम इन फैमिली, मेनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी, मेनी प्रॉब्लम इन द सिस्टम, मेनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड कंट्री, और मेनी प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? करेक्ट. एंड दोस बिकम द रीजन फॉर द स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस टेक टोल ऑन आवर हेल्थ डायरेक्टली, इट इंपैक्ट बैडली. सो all those problem in life, if it comes, there is a remedy. Whenever in stress, whenever in distress, problems, difficulties and bad health, bad mood, then there is only one thing you can do is talk. What I told you? Talk. Because solution is right there. If there is a problem with your wife, you have a fight with your wife in the morning, in the evening go and talk. In the evening go and talk to her. It is
over. Stress is over from the family. Both se jhagda hua. There are differences between you and both. You may have a difference, but talk. Talk. You have a problem of health. Talk to doctor. Talk to the right person. Talk at the right time. Whatever word I told you, not today's, in this session, each word has got meaning. If I use the word right, that right time, right person, right place, so that has a meaning. Write down that word, right. Because right thing in your life will make so many things right. Write down that right word. Give time to time. Yes. Kya samjhe? Ek cheez ka solution hoga. Things will come in place. Correct. If you give time to the problem. थोड़ा सा problem को थोड़ा समय दो. और right time पे फिर अपने आप हो जाएगी. तो समय को समय जरूर. वो सबसे जरूरी है बात. झगड़ा हो रहा है आपका. उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ. थोड़ा time लगाओ. सोचोगे क्यों क्या बात है. पानी पी लो बस. उससे वो शांत करो, फिर सोचो, फिर उसका जवाब, और फिर जैसे सर ने बताया, टॉक, उसी बंदे से बात करो, जिसके जगह हो. जब आप खुद अपनी तरफ से जाओगे, वो अपने आप ही बंदा, फिर मैंने फिर आपको बोला था, उसका जो लेवल है, उससे वो नीचे आ जाएगा अपने आप. जैसे ही वो नीचे आ जाएगा, फिर आप उस बात को दोबारा टेकअप करके और उसका सोल्यूशन निकालो. पहले सबसे बात, हर एक बात का पहले सोल्यूशन होता है, उसके बारे में सोचो क्या करना है. हर एक बात का सोल्यूशन होता है. मतलब भगवान ने जो चीजें बना रखी है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है. इसमें कोई दो राय नहीं है. उसने हर एक चीज का एक प्रॉब्लम भी देता है, फिर उसका सोल्यूशन भी होता है. वो पूरा प्रोसीजर आपने फॉलो कर दिया, तो आपने वो काम करना ही करना. ठीक है, तो गिव टाइम टू टाइम. समय को समय जरूर दो. ओके फ्रेंड, नाउ दिस इज एंड ऑफ सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच ए नाइस ऑडियंस, listening everything so intently. And if you have any question, you are welcome. Anyone, any question? Right now there is no question. So, okay, so when you will demand me, I will come. Although there is a marriage in the family, I may not be able to take out time, but if you will ask Vishnu sir, that man, that ghost is required here. So I will appear again. Okay. But before I leave, I want to have an introduction session because I was not available in the morning. So I do not know what is the name of the people. So I already told you that I am Anand Kumar Ashwarya. I am retired from Indian Air Force. I was looking after HR. Okay. So that is my introduction. At present, I am looking after the company of my son. That is Rural India Solar Energy Rise Enterprise in Sonipat. It is a EPC firm. Okay. It is very less component of Lowell Technology. Lowell Technology is a bigger thing. Okay. So, we are very well connected and associated. Yeah. So, we will have introduction. You can remain seated and then can speak. I am Neeraj Makhija. Your name please? Neeraj Makhija. Neeraj Makhija, Faridabad. Yes, okay. And we all are B.Tech student, right? Yes, sir.